छपरा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार सुनील मेंडे के प्रचार के लिए कल साकोली तालुका में महागठबंधन की एक अभियान बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुनील मेंडे को वोट देकर अपना हाथ मजबूत करने की चुनौती दी है। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रफुल्ल पाटिल ने कहा कि भंडारा गोंदिया जिले के विकास के लिए अब सुनील मेंडे और हम एकरा के साथ एक तरफ नहीं है, बल्कि एक भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। वही महायुति प्रत्याशी सुनील मेंडे को बीजेपी ने दोबारा मौका देते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं से नागरिकों को फायदा हुआ है। हमारे जिले में हमको चाहिए विकास और रोजगार, और रोजगार के लिए हम लोगों को चाहिए उद्योग, और ये उद्योग में सबसे बड़ी जो जरूरत है यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं और पूरे जिले के लिए BHEL का हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारी जमीन लेकर इन्वेस्टमेंट करने की फैसला हो चुका था, लेकिन जो यहाँ से जनप्रतिनिधि उस टाइम चुनकर गए उन्होंने भेल की भेल पूरी कर डाली और वो प्रकल्प को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सुनील मेंडे जी, आपकी जवाबदारी है कि तुम ही यानी अमी, अभी इनको क्या चिंता है, इनके साथ तो मैं हूं ना। अब आप सुनील मेंडे एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 की शक्ति के साथ हम भंडारा गोंदिया जिले का विकास करेंगे। मेंडे जी को दिया हुआ आपका वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मेंडे जी को दिया हुआ आपका वोट भारत को सुरक्षित बनाएगा। मेंडे जी को दिया हुआ आपका कमल के निशान पर वोट भारत के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। भाई और बहनों, मैं अपील करने आया हूं आप सभी को, हमारे आगे आइए मेंडे जी, हमारे नेता मेंडे जी को, यही का आपका ही नेता है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए कि जो भी हमारी योजनाएं आने वाले 5 साल में आने वाली होगी वो हमारे भंडारा बंदिया गोंदिया के लोकसभा क्षेत्र में हर जन जन तक पहुंचाने का मैं भरकस प्रयास करूंगा, यह आज आप सबके सामने बताना चाहूंगा। मित्रों, आज सबके वजह से, आप सबके आशीर्वाद के वजह से मैं आज लोक सेवक हूँ। आज 14 अप्रैल भी हमारे बीच में आदरणीय अमित भाई उपस्थित हैं, मैं इनके सामने एक संकल्प करना चाहता हूँ। हमारे भंडारा जिले में एक सबसे बड़ा सिंचाई का प्रकल्प है गोसे प्रोजेक्ट, जिसके तहत हमारे किसान भाई के करीब करीब 2.5 लाख हेक्टर जमीन सिंचाई होनी थी, उसमें से 70 लाख हमारी करीब 70% सिंचाई का काम पूरा हो गया, मगर अभी तक 38 साल बाद भी सिंचाई का पूरा काम हो नहीं सका। इसलिए मैं आप सबके सामने आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग इस संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले 5 साल में जब तक ये पूरा ना हो तब तक मैं अपनी शिखा नहीं काटूंगा, ये आपके सामने संकल्प करते हुए अपने आप को फिर से मुझे 19 तारीख को आशीर्वाद देकर विजयी बनाने के लिए सबको आपको बहुत बहुत आभारित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र TV 24 न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया।